अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस ये व्लॉग आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिसेंटली हमने ये फेस्टिवल अटेंड किया तो हमने सोचा कि क्यों ना ये हम आपके साथ शेयर करें क्योंकि हमने इधर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करे। ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है ये वाइट बॉटल जिस पे ब्लैक लीव्स बने हुए हैं, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। और ये जो कुछ वॉल हैंगिंग के लिए ये कुछ डेकोरेशन पीसेस बने हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल वे में बनाए हुए हैं, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा आइडियाज ले सकते हैं। ये लैंप्स हैं और ये साथ में कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट की वो ये ज्वेलरी बॉक्स था जिस पे शीशे का काम हुआ था, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक्सप्लोर की थी, ये ओरिगामी का स्टॉल था। बेसिकली ओरिगामी जो होती है जापानीज आर्ट है और इसमें ये होता है कि पेपर को डिफरेंट वे में फोल्ड किया जाता है और उसकी शेप्स बनाई जाती हैं। तो ये देखें ये डीएनए के कितने प्यारे स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा ये इतने अच्छे तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया था कि मैं देख रही थी कि इन्होंने कैसे बनाया ये, और ये इतने अच्छे तरीके से बनाया हुआ था। ये देखें कितनी डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं, और ये शेप देख के तो मैं बहुत ही हैरान हुई थी क्योंकि ये बहुत मुश्किल थी बनाना और इतनी बारीकी से बनाई थी, ये बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। और इसके अलावा ये देखें हाउस, कितने ब्यूटीफुल हाउस बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। जो सबसे ज़्यादा एंगेजिंग स्टॉल था वो ये वुडन लैंप्स थे जिनके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। और ये देखें ये कितना न्यूटली वर्क हुआ है, ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। गाइस जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो हमने मिस कर दी, हम वहाँ थोड़े लेट पहुँचे थे, लेकिन एंड हमने देखा था। ये देखें कितने मज़े का शो था, ये हमने मिस कर दिया। गाइस ये जो आप लोग चीज़ देख रहे हैं इसे कहते हैं स्काई व्हील, देखिए कितना कितनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई है, लेकिन सैडली हमने ये भी मिस कर दिया। हमने नीचे नीचे से वीडियो बनाई थी, ये देखें ये देखें नीचे से खड़े होकर हम लोग इसको देख रहे थे, तो लेकिन टिकट्स ख़त्म हो गई एंड पे, हम लोगों ने झूला भी नहीं लिया। लेकिन आप लोग देख सकते हैं और कहीं भी आपको मौका मिले तो आप अपना मौका मत देना, ज़रूर ट्राई करना। हाँ, बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमें बहुत पसंद थी। और आपको क्या लग रहा है कि हमने ये भी मिस कर दी? नेवर एवर।
ये हमने ये देखे, ये हम लोग खा रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये हमने ली थी, ये वीडियोस भी बना रहे थे, ये बच्चे भी आए हुए थे, इन्होंने बहुत सी ली थी। तो ये देखिए कितना एंजॉय करके खाया था। गाइस ये हम एक स्टॉल पे गए थे, वहाँ पे पेंटिंग्स थी, लेकिन ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई हुई है। और अभी तो और भी बहुत सी पेंटिंग्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और ये बेसिकली ना एक हम लोग विजिट करते बच्चों का स्टॉल था, और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट पेंटिंग्स बना के हैंग की हुई थी, और यहाँ पे उनको मौका मिला था कि वो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं जो उनको दिल से रहा बनाने का। तो इस यहाँ पे ये बच्चा देखा था हमने, बहुत ही शौक होके बना रहा था पेंटिंग। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों ने जो कि एक बच्चे कर सकते थे। ये उनके पसंदीदा कार्टून्स बनाए हुए थे यहाँ पे। और ये देखिए ये फिर से वही चीज़ आ गई जो हमने मिस की, और अब ये चल ही रहा। और ये देखिए ये डोर डेकोरेट हुआ हुआ था। और फाइनली अब हम जा रहे हैं जॉयलैंड की तरफ। हाँ जी, तो ये देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे ये देखिए जंपिंग कैसल पे जंप कर रहे थे, स्पेशली ये व्हाइट शर्ट वाला बच्चा तो बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, बहुत एंजॉय किया इसने। और हम भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश हम भी ये कर सकते, बट हम ये नहीं कर सकते। बच्चे लेकिन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे झूले थे। और ये ना अंकल जो ड्यूटी पे थे उनके बात भी नहीं मान रहे थे, ये बच्चे ना जंपिंग किए जाते हालांकि उनके पैसे पूरे हो गए थे। उसके बाद ये और ये हो रही है हॉर्स राइडिंग, और ये छोटे छोटे फोटोग्राफर पीछे भाग भाग के इनकी फोटोज बना रहे हैं। उसके अलावा ये देखिए आप लोग कितनी प्लेट्स को कितनी अच्छे तरीके से पेंट किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये हमने देखी थी, और ये देखें ये लाइन आर्ट के थ्रू ये बनाई हुई थी पेंटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये डक भी बनाई हुई थी। सो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, होप सो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।